नमस्ते बच्चों, जीडीएम स्कूल के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 9 के अंदर अपने एक्सरसाइज 13.1 स्टार्ट कर दी थी अपन ने ऑफलाइन क्लासेस में, और उसके आपके तीन क्वेश्चन आपके पूरे कंप्लीट करवा दिए। ठीक है, अब तीन क्वेश्चन हो गए, उसके बाद में आगे के क्वेश्चन अपने कर रहे हैं। उसके मैंने आपको सूत्र लिखा दिए थे, सूत्र आपने नोट डाउन कर लिए थे कॉपी के अंदर, उसको याद करने के लिए मैंने कहा था याद करने हैं। ठीक है, और अब आपको 13.1 प्रश्नावली से रिलेटेड क्वेश्चन जो है तीन करवा दिए, तो चौथा क्वेश्चन है वो देखो मैंने ब्लैक बोर्ड पे आधा लिख रखा है, उसको मैं समझा रहा हूँ कैसे करना है। तो पहले क्वेश्चन पहले पढ़ के बता देता हूँ, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 मीटर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है, यानी एक डिब्बे में जो पेंट आता है बाजार से अपने डब्बा लाते हैं, वो कह रहे हैं इतने क्षेत्रफल में पेंट किया जा सकता है उस डिब्बे से, तो आगे पेंट करना किसको है। देखो आगे लिखा है, इस डिब्बे से पेंट से लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की विमाओं की वाली कितनी इंटे पेंट की जा सकती है, यानी उसकी विमाओं की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपको दे रखी है कितनी इंटे, यानी एक इंट का क्षेत्रफल दे रखा आपको, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वो दे रखी हो एक इंट की दे रखी है, तो कितनी इंटे उस पेंट से की जा सकेगी। तो अपने क्या करें, पहले एक इंट का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर उसमें क्या कर देंगे, हम जो पेंट लाए उसमें भाग दे देंगे। ठीक है, तो भाग देने पर हमारी ईंटों की संख्या निकल जाएगी। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पर लिख रखा लंबाई लिखी 22.5, चौड़ाई लिखी 10 सेमी, ऊंचाई लिखी 7.5 सेमी, एक ईंट का क्षेत्रफल है। तो सूत्र आपको मैंने बता दिया घनाभ का लगेगा, क्योंकि ईंट का जो क्षेत्र ईंट होती है वो घनाभाकार होती है, किस शेप में होती है, घनाभाकार होती है, तो घनाभ वाला लगेगा 2 LB + BH + HL वाला सूत्र लगा दे। ठीक है, लगा दिया, 2 लिख दिया लंबाई इंटू चौड़ाई लिख दी, फिर चौड़ाई इंटू ऊंचाई लिख दी, फिर ऊंचाई इंटू लंबाई लिख दी। अब इसकी गुणा की, गुणा सबको आती है, गुणा मैंने कर दी, गुणा करने के बाद पहले ब्रैकेट वाली सारी संख्या को जोड़ लेंगे, तो जोड़ने पाएगा 468.75 आ जाएगा, उसको 2 से गुणा कर देंगे तो 936.50 इसका आंसर आएगा। ये एक इंट का है, किसका है, एक इंट का है। ठीक है, अब आपको एक इंट का है तो आपको इसको या तो मीटर में बदल लो, क्योंकि आपको जो पैंट जो दे रखा है वो मीटर में दे रखा है। ठीक है, तो मीटर में बाद में बदल लेंगे। ठीक है, तो हम इंटों की संख्या निकाल लेंगे, इसका सूत्र मैं लिख रहा हूं। ठीक है, इंटों की संख्या निकालनी है, इंटों की संख्या बराबर कुल पैंट बटे एक इंट का क्षेत्रफल। कुल पैंट देखो आपको ये देख है बुक में देख है 9.375। ठीक है, और एक इंट का हमने निकाल लिया, वो नीचे लिख देंगे 937.50 लिख दिया। अब आपको क्या करना है, इसका पॉइंट हटके नीचे जीरो लग जाएंगे, कितने जीरो लग जाएंगे, 3 जीरो लग जाएंगे, और इसका पॉइंट हटके ऊपर 2 जीरो लग जाएंगे। ठीक है, दो जीरो लग गए और इसमें आपके दे रखा था 3 जीरो लग गए। ठीक है, इसको आपको किसे बदलना था। ठीक है, तो इसका पॉइंट पर लग गया। अब देखो ये पूरी संख्या एक जैसी है, ये आपने किया था 937 और वो आपके आया था मीटर में दिया हुआ था, तो मीटर को सेंटीमीटर सॉरी तो इंटू ऊपर करेंगे हम, किसको बदल रहे हैं, इसको बदल रहे हैं। ठीक है, मीटर को, तो यहां पे आपके कितने जीरो लग जाएंगे, सेंटीमीटर से मीटर पे जा रहे हैं। ठीक है, तो आपके 3 जीरो लग जाएंगे या यहीं बदल के बता दूं, तो यहां बदल देता हूं, इसको मीटर में बदल रहे हैं। ठीक है, तो पॉइंट पहले इसी को बदल देते हैं। ठीक है, यहां मैं आपको बदल के बता रहा हूं पहले, क्योंकि आपको बाद में दिक्कत होगी।
यहां मैं बदल देता हूं, इसी को बदल देता हूं मीटर में। मीटर बदलेंगे तो 937.50 है, इसको मीटर बदलेंगे तो नीचे 3040 लगेंगे मीटर बदलने के लिए, तो इसको हम बदल देंगे, इसका आंसर आ जाएगा आपके 0.09375, ये लिख देंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, आपको दे रखा है। तो ऊपर लिख देंगे 937, 9.375 और बट्टे में आपके आ जाएगा ये 0.09375। इसका पॉइंट हटके नीचे 3 लग जाएंगे जीरो, और इसका पॉइंट हटके 5 जीरो लग जाएंगे। ये पूरी संख्या 9375 होगी, ये इससे पूरी पूरी कट गई, 3 जीरो से 3 जीरो कट गई। क्या बचा? 100, तो 100 इंटे आ जाएगी, यानी कितनी इंटे? 100 इंटे, यानी 100 इंटों पे पेंट किया जा सकता है, यानी जो आप पेंट लेके आए उससे कितनी इंटे की जा सकती है? 100 इंटों पे पेंट कर लेंगे। ठीक है, तो नोट डाउन कर लो, थोड़ी सी कैलकुलेशन हार्ड जरूर है, लेकिन आपको ध्यान रखना ये सेंटीमीटर में था, पेंट आपके मीटर में था, तो मीटर को आपको सेंटीमीटर बदल दिया, हमने सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया। तो देखो, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाते हैं तो भाग दिया जाता है, तो एक मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, और सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 100 मीटर सेंटीमीटर की पावर 2 दे रखी है, तो यहाँ पे 100 × 100 10,000 लिखा जाएगा। कितना लिखा जाएगा? क्योंकि सेंटीमीटर की पावर 2 दे रखी है, तो उसको बदलने के नीचे 1000 लिखेंगे, तब ये मीटर में चेंज हुआ है हमारा, ये भी मीटर में हो गया और पैंट भी हमें मीटर में दिया, उस हमने आंसर निकाल लिया। ठीक है, आपके क्वेश्चन में 4 हो गए, ठीक है, नोट डाउन कर लो। आप क्वेश्चन में 5 देखेंगे, देखो क्वेश्चन नंबर 5 आपके है, पढ़ के मैं सुना देता हूँ। एक घनाभा का डब्बा दे रखा है, ठीक है, डिब्बे का किनारा आपको 10 सेमी लंबाई का है, एक घना का डब्बा है उसकी लंबाई है वो 10 सेमी दे रखी है, तथा एक अन्य घनाभा का डिब्बे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपको दे रखी इतनी। एक घनाकार है और एक घनाभाकार है, घनाकार का मतलब होता है घन, घन की शेप में, किसकी शेप में? घन की, और घनाभाकार है वो घनाभ की शेप में, तो पहले घन का निकालेंगे, तो घन की भुजा आपको दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, तो 5 है तो आपके घन की भुजा लिख लेंगे, घन की भुजा को मैंने ए बताया था, आपको भुजा को ए लिखना बताया, कितनी दे रखी है आपके घन की भुजा दे रखी है आपको 10 सेमी, ठीक है। और आपको निकालना क्या है? पहला क्वेश्चन, किसी डिब्बे का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल और कितना अधिक है, डिब्बे का पार्श्व पृष्ठ निकालना है, तो पार्श्व पृष्ठ का सूत्र बताया था मैंने, 4a² होता है, कितना होता है? 4a², तो घन का पार्श्व लगा देंगे, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम, घन का पार्श्व घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल इसका होता है 4a², 4 लिख देंगे, a की जगह लिख देंगे 10, 10 की घात 2, आपको पता 10 की घात 2 को मतलब 10 × 10 कितना हो गया 100, 100 को 4 से गुणा कर दो तो इसका आंसर आ जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब आपके घनाभाकार है, क्या दिया है इसी में, ये तो घन का निकाला है,
अब उसी फर्स्ट पार्ट में आपको गनाबाकार भी निकालना है, गनाब का लगाना है, वो गनाब की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, और पार्श्व पृष्ठ निकालना है, यानी पार्श्व पृष्ठ का वही लगाना है चारों दीवारों वाला। तो गनाब का, गनाब का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल होता है दो ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये सूत्र होता है। तो लंबाई आपको देखो पहले वाली लंबाई होगी 12.5 और दूसरी होगी आपके चौड़ाई 10 और ऊंचाई आपको दे रखी है 8 सेमी लिख दो। तो इन दोनों को जोड़ेंगे 12.5 में 10 जोड़ देंगे तो 22.5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 22.5 × 8, ठीक है। 22.5 को 2 से गुणा कर लो, 5 × 10 का 0 आशीर्वाद 4 × 1 = 5 और 4 यह आ जाएगा, पॉइंट लग के हट जाएगा तो 45 आ गया। 45 को 8 से गुणा कर लो, 8 × 5 = 40 का 0 4 लगे 8 × 32 = 36, ठीक है 360 आ गया। इसका आंसर आया 360 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। घन का आया हमारे 400 और इसका आया 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। पूछा गया किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है, तो अधिक किसका आया? घन का आया, और कितना अधिक है इसका मतलब माइनस भी करना है, तो आप माइनस कर लो 400 − 360 तो 40 आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, और किसका है? घन का है, आगे घन लिख दो, या तो नहीं या तो माइनस कर लिया और नीचे और लिख दो घन, घन का 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, ठीक है। यह आंसर आपको लिखना है, ये आपने 40 निकाल लिया, 40 आपके किसका है? सबसे बड़ा आंसर 40, देखो 400 किसका था? घन का था, इसलिए घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। ये तो घन का पार्श्व पृष्ठीय। अब दूसरा पार्ट क्या पूछा गया? सेकंड पार्ट पूछा गया किसी डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम और कितना कम है। अब कुल पृष्ठीय निकालने, तो दोनों का कुल पृष्ठीय निकाल, पार्श्व अभी हमने पार्श्व निकाला था चारों दीवारों वाला, तो मैंने कहा पार्श्व होता है चार दीवारों को जिसमें छत और नीचे बॉटम यानी फर्श नहीं होता, ठीक है। ये चारों दीवार वाला लगा है और इसमें भी वही लगा है घन का। अब हम गनाब का कुल पृष्ठीय निकालें, दोनों का निकालना है, घन का भी निकालना और गनाब का भी। विमाई यही रहेगी, विमाई चेंज नहीं होगी, ये लिख के कर लेते हैं। सूत्र यहां चेंज हो जाएगा, 500 की जगह कुल आ जाएगा बस, और कुछ नहीं चेंज है। घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका सूत्र मैंने आपको बता दिया 6a² सारे मैंने सूत्र आपको लिखा रखे हैं, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, 6a² वाला लगे, ठीक है। और घनाभ का इसका मैंने सूत्र लिखा है 2lb(bh + h), ये वाला सूत्र लगेगा। तो पहले हमारी a दे रखी विमाई, तो 6 और ब्रैकेट में लिख देंगे 10^2, 6 × 10^2 का 100 हो जाएगा, 100 को 6 से करेंगे 600 आ जाएगा, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हमने निकाल दिया 600। अब इसी प्रकार गनाब का निकालना, हमें दो लंबाई देखो 12.5 × चौड़ाई आपको दे रखी 10, 10 × 8, 8 ×
लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ऊंचाई इंटू लंबाई 12.5। ठीक है, गुणा कर लो दो, 12.5 को 10 से करेंगे तो 1250 होता है, पॉइंट लग गया तो 125 बनेगा, दशमलव हट जाएगा। ठीक है, 10 को 8 से करेंगे 80 आ जाएगा। अब 12.5 को 8 से गुणा कर लो, 8 × 40 = 16 × 4 = 20 का जीरो ऐसे लग जाएगी, 2 × 8 = 10 हो जाएगा। 8 × 40 का जीरो ऐसे लग जाएगी, 4 8 × 16 × 4 = 20 का जीरो ऐसे लग जाएगी, 2 × 8 = 10। तो यहां में पॉइंट लग जाएगा, ये तो क्या है इसका आंसर 100 आया, तो प्लस 100 लिख देंगे। सबको जोड़ लेंगे 100, 125 और 80, 5, 8, 2, 10 का जीरो आंसर लगे, 2 और 1 = 3, 305 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 305 आ जाएगा। ठीक है, 305 को 2 से कर दो तो 610 आ जाएगा, 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आया 600 और इसका आया 610, तो किसका अधिक है, घनाभ का है। कितना है, 10, दोनों को माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो मैं इधर सोल्व कर रहा हूं, तो आप लिख देंगे 610 में से माइनस कर देंगे 600, तो ये आपके आ जाएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आ गया, किसका अधिक था, घनाभ का, तो घनाभ लिख देंगे, क्योंकि इसमें पूछा ही गया है कि कितना, सॉरी कम है, किस डिब्बे का पृष्ठ क्षेत्रफल कम है और कितना कम है, तो सर कम निकालना, तो यहाँ घन आएगा, इस यहाँ पे भी घन ही आएगा। ठीक है, कम पूछा, उसमें अधिक पूछा गया था और इसमें कम पूछा गया है। ठीक है, तो ये कम का हमने निकाल दिया। ठीक है, तो ये आपके आएगा घन, और कितना कम है, ये इतना कम है, तो आपके क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गए। अब आपके आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, पढ़ के मैं सुना रहा हूं। ठीक है, एक छोटा पौधा घर पर संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से घर के अंदर ही बनाया गया है। एक छोटा पौधा है तो चारों तरफ शीशे की पट्टियां लगाई गई है। ठीक है, शीशे की पट्टियों से घर के अंदर बनाया गया और शीशे की पट्टियों को टेप द्वारा चिपकाया गया है। यह पौधा इतना लंबा, इतना चौड़ा और इतना ऊंचा है, यानी एक पौधा है, पौधा लाके हम इसको एक क्या कहते हैं, हार्बेरियम जैसे होता है, चारों तरफ कांच से बंद कर देते। ठीक है, ग्रीन हाउस कई बार कहते हैं, ग्रीन हाउस, चारों तरफ पौधा अंदर रख दिया और चारों तरफ कांच से उसको बंद कर दिया। ठीक है, तो हमें पहले इसका क्षेत्र, कांच का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, कितना कांच लगा उसको ग्रीन हाउस को बनाने में। ठीक है, फिर दूसरा कांच को हमने, कांच आपस में ज्वाइन तो होंगे नहीं, या तो किसी चेप से, देखो उसने कांच को किससे चेपा, टेप जो बाजार में मिलती है ना, टेप, उससे टेप से उसको चेप के एक हार्बेरियम बनाया गया। तो दो आंसर निकालने, पहला आंसर अपने निकाल रहे, फर्स्ट पार्ट हम कर रहे इसका, तो फर्स्ट पार्ट इसका ये है जो दे रखा है, देखो लंबाई आपको दे रखी है 30 सेमी, एल दे रखा आपको 30 सेमी, एच दे रखा है 25 सेमी, सॉरी पहले एच नहीं होता, लंबाई फिर होता बी, और एच आपके होता है
25 सेमी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आदि। पहले हमें शीशे की पट्टियों का क्षेत्र यानी शीशे की जो बनाई गई वो गनाभाकार ही है, ठीक है, तो गनाभ का लगाएंगे। क्षेत्रफल, तो गनाभ का क्षेत्रफल का सूत्र वही रहेगा, वही कुल वाले लगाने, दो एल बी प्लस बी एच प्लस एच, दो एल बी, एल की जगह 30 इंटू बी 25 लिख दी, 25 इंटू 25, ठीक है, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर रहेगी, 25 इंटू 25 लिख देंगे, फिर 25 इंटू एल की जगह लिख देंगे 30, दो लिख देंगे। देखो गुणा भी बिल्कुल सिंपल से, गुणा का एक तरीका अपना लिया करो, देखो 25 को 3 से गुणा कर लो, 75 हो गया और पीछे एक जीरो लग जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। उसी प्रकार फिर सेकंड 25 को 25 से करेंगे, तो मैंने 25 का वर्ग बता रहेगा, 25 का वर्ग होता है 625, फिर 25 को 3 से करेंगे 75 और 750, तो इन सबको जोड़ लो, जोड़ लेंगे 750, 750 कितने होते हैं, ठीक है, 750 1500 हो गए, 1500 में 6 जोड़ दो, 15 2125 हो गए, कितना हो गए 2125, ये आंसर है, ठीक है, 750 हो गए 1500 में 625 जोड़ दो, 15 6 21 2125, इसको हम गुणा कर लेंगे, 2125 को गुणा कर लो 2 से, 5 10 जीरो आंसर लग जाएंगे, 2 4 1 5, 2 और 2 2 4, तो इसका आंसर आया है 4250 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना आया 4250 सेंटीमीटर, फर्स्ट पार्ट का आंसर आपके आ गया, यानी शीशे की पट्टी, यानी आपको शीशे की पट्टियों का जो क्षेत्रफल है वो आपकी ये आएगा, क्लियर हो गया। अब आपके आता है क्वेश्चन नंबर इसी का सेकेंड, सभी किनारों के लिए कितनी टेप की आवश्यकता है, सभी किनारों के लिए टेप की आवश्यकता होगी, ठीक है, नोट डाउन कर लो। अब टेप निकालनी है, कितनी टेप लगेगी, तो लंबाई थोड़ी ऊंचे तो वही है, सीधा हम सेकेंड पार्ट का आंसर निकालेंगे, सेकेंड पार्ट का आंसर ये है, जोड़ लेंगे इन तीनों को, ठीक है, टेप की लंबाई इनको जोड़ लो, सीधा जोड़ लेंगे, देखो 4L+B+H हो जाएगा, 4 लिख देंगे, 30+25+25 जोड़ लो, 4 25 50 30 90 360 आ जाएगा सेमी, यानी टेप की लंबाई आपकी ये होगी, ठीक है। तो इसका सूत्र मैंने लिखा दिया, टेप की लंबाई 4 ही लंबाई होती, 4 जो ऊंचाई होती, 4 ही लंबाई होती है, 4 ही चौड़ाई होती है, 4 ही ऊंचाई होती, ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लेना और उतार लेना, ठीक है, थैंक यू।